कुछ सवाल हैं जिन पर अभी हम बात करेंगे। पहला सवाल है कि क्या देह से आगे भी कुछ है? देह माने बॉडी, शरीर। क्या शरीर से आगे भी कुछ है, और अगर है तो वह क्या है, और उसका शरीर से ज़्यादा महत्व क्यों है? सवाल अच्छे से समझिए। दूसरा सवाल है कि देह भाव क्या है फिर? देह माने शरीर और चेतना में क्या अंतर है? चौथा सवाल है कि क्या देह का कोई महत्व नहीं है? और आखिरी सवाल है कि देह भाव कैसे छोड़ें और चेतना में कैसे जिएं? तो जो पहला सवाल है कि क्या देह भाव से शरीर से आगे भी कुछ है, जिसका शरीर से भी ज़्यादा महत्व है, तो मैं कहूँगा कि हाँ है, लेकिन वह कोई पारलौकिक चीज़ नहीं है। उसका संबंध किसी जादू चमत्कार से नहीं है। जब कहा जाता है कि देह से आगे, देह से महत्वपूर्ण भी कुछ है, तो ज़रूर वह देह की तरह नहीं होती है, वह स्थूल नहीं होती है, पर उसका अस्तित्व होता है। और वह चीज़ जिसे शरीर से ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, उसका नाम है समझ, अंडरस्टैंडिंग। उसका नाम है प्रेम, उसका नाम है शांति, उसका नाम है मुक्ति, उसका नाम है आनंद। और अब मैंने जो चार पांच नाम लिए हैं, ये एक एक नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये होंगे तो एक साथ होंगे, और नहीं होंगे तो एक भी नहीं होंगे। तो वो आखिरी चीज जिसको मैं महत्व देता हूँ शरीर से आगे, वो उसे मैं समझ कहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि समझ के साथ ही जीवन में प्रेम भी आता है, समझ के साथ ही जीवन में शांति भी आती है, समझ के साथ ही जीवन में मुक्ति भी आती है, समझ के साथ ही जीवन में आनंद भी आता है। अब ना तो प्रेम शरीर है, न समझ शरीर होती है, न शांति न मुक्ति, ये कुछ भी शरीर तो होता नहीं है, पर ये होता है, ये होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप समझ को, बोध को, प्रेम को, मुक्ति को, शांति को शरीर से ज़्यादा महत्व देते हैं, तब आप देह भाव से मुक्त हैं, तब आप चेतना में जी रहे हैं, तब आप बोध में जी रहे होते हैं, तब आप देह भाव में नहीं जी रहे हैं। मुक्ति की खातिर आप देह की कुर्बानी करने को भी तैयार हो जाते हैं, ये देह भाव से मुक्त जीवन की पहचान है। अपने ही जीवन में झांकिए। अगर शरीर आखिरी चीज है, तो ऐसा क्यों होता है कि शरीर के पास भोगने के लिए भी सब कुछ है? शरीर को कोई बीमारी भी नहीं है, माने स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है, मजबूत है, माने शरीर भोग भी रहा है और ठीक ठाक भी है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में बेचैनी क्यों बनी रहती है? किस चीज़ की कमी है? जिस चीज़ की कमी होती है वह आखिरी चीज़ है, वह है जो शरीर से भी आगे की है, जिसको शरीर से ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। तो जो आपका सवाल है कि क्या शरीर से आगे भी कुछ है, तो हाँ है, और उसका नाम है समझ, अंडरस्टैंडिंग। मेरे सामने दो शरीर खड़े हैं, जिनमें से एक है बुद्ध और एक है बुद्धू, मैं किसको ज़्यादा महत्व दूंगा? हैं तो दोनों शरीर ही, पर किसको ज़्यादा महत्व दोगे आप भी? जाहिर सी बात है, ईमानदारी से पूछो तो आप बुद्ध को ज़्यादा महत्व देंगे। किस आधार पर आप उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हो? वह जो उनमें अलग है, विशेष है, उसी का नाम समझ है। उसकी कीमत देह से, शरीर से भी ज़्यादा होती है। हाँ, ये आप पर निर्भर करता है, ये आपका चुनाव है कि आप देह को ज़्यादा महत्व देते हैं या समझ को। इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, आप मुक्त हैं। आप देह को भी चुन सकते हैं, माने बुद्धू को भी चुन सकते हैं, ये कह करके कि वो मेरा भाई है, ये कह करके कि वो मेरी प्रियतमा है,
कोई भी बहाना हो सकता, कुछ भी बात हो सकती, कुछ भी कह करके आप बुद्धू को भी चुन सकते हैं और आप बुद्ध को भी चुन सकते हैं। आप चुनने के लिए मुक्त हैं। अपने जीवन में भी आप देह को भी ज्यादा महत्व दे सकते हैं या अपनी मुक्ति को, अपनी शांति को ज्यादा महत्व दे सकते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न है कि देह भाव क्या है, ध्यान से समझिए। जब शरीर आपका मालिक हो जाता है, जब आप शरीर के इशारे पर चलते हैं, तब देह भाव है। और जब शरीर आपके इशारे पर चलता है, जब शरीर आपके लिए काम कर रहा होता है, तब आप देह भाव से मुक्त हैं। आप शरीर के लिए काम कर रहे हैं तो आप देह भाव में जी रहे हैं, और शरीर आपके लिए काम कर रहा है तो आप देह भाव से मुक्त हैं। तो देह भाव क्या है? स्वयं को शरीर मानना, देह मानना, और देह को ही आखिरी चीज मानना, और फिर इसी देह की सेवा में लग जाना, यह मानकर कि इसको जितना खिलाएंगे पिलाएंगे, जितना शरीर को फुलाएंगे, जितना इसको भोगेंगे और जितना इसके माध्यम से भोगेंगे, उतना ही अधिक इसको जीवन में शांति और आनंद मिलेगा। इस धारणा के साथ जीवन जीना देह भाव में जीवन जीना होता है। क्या काम ने? स्वयं को शरीर मानना और शरीर को ही आखिरी चीज मान लेना, और फिर शरीर की सेवा में लग जाना, ये मान करके कि इसको जितना खिलाएंगे पिलाएंगे और ये जितना भोगेगा और इसके माध्यम से हम जितना भोगेंगे, उतना जीवन में शांति और आनंद आएगा। ये होता है देह भाव में जीना। फिर इस देह के लिए ही जीवन में जो भी कर रहे हो, शरीर के लिए कर रहे हो, तो ये देह भाव में जीना हुआ। अब शरीर आपका मालिक हो गया, आप शरीर के गुलाम हो गए, अब शरीर के हाथ में आपने शरीर को ही सौंप दिया। आप पीछे बैठ गए और गाड़ी को, गाड़ी स्वयं चला रही है, आप गिरोगे खाई में, टूटेंगे हाथ पैर। अब आप खूब भोग रहे होंगे, शरीर फूल रहा होगा, कोई कमी नहीं होगी किसी चीज की, लेकिन फिर भी आप बेचैन रहोगे। क्यों? फिर भी जीवन में शांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने देह को आखिरी चीज मान लिया, आप देह के लिए जी रहे हैं, आपका जीवन देह को समर्पित हो गया है। अब झांकिए अपने जीवन में और देखिए, और देखो, और कोई तरीका नहीं है देह भाव से मुक्त होने का। देह भाव से मुक्त होने का यही तरीका है कि आप देख लें कि किस तरीके से आप देह के गुलाम हैं, और देह के गुलाम होने के कारण किस तरह आपका जीवन नरक बना हुआ है। ये जानकर फिर हमने कहा कि आखिरी चुनाव आपका होता है कि आप देह को महत्व देते हैं या उस आखिरी चीज को जिसकी हमने शुरू में बात की। अब देखिए अपने जीवन में, आप काम कर रहे हैं इसलिए नहीं कि काम बड़ा प्यारा है, इसलिए नहीं कि वो काम करना बहुत जरूरी है। आज दुनिया की हालत इतनी बुरी हो गई है कि इसमें स्वयं की मुक्ति और संसार के कल्याण के लिए उस काम को करना बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कर रहे हैं आप। बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस काम को करके भोगने को मिल जाता है आसानी से, उस काम को करके पैसा बहुत मिल जाता है। फिर आप ये परवाह ही नहीं कर रहे हैं कि वो काम गलत है कि सही है। आप इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के लिए आप वो काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति उस काम के माध्यम से कौन सा विनाश संसार में ला रहा है। आप धनाधन एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जी जान लगा करके, जो मुर्गे काटती है, बकरे काटती है, गाय काटती है, भैंस काटती है, डेयरी इंडस्ट्री चलाती है, आप क्या कह रहे हैं? मुझे भोगने को मिल रहा है ना। इसे कहते हैं देह भाव में जीना। आप जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको भोगने को मिल रहा है उसके माध्यम से। फिर हम क्या करते हैं? हम रिश्ते बनाते हैं। आप रिश्ता बना रहे हो, उस व्यक्ति की समझ, उसकी चेतना नहीं देख रहे हो। आप नहीं देख रहे हो कि वो व्यक्ति कितना समझता है जीवन को, वो व्यक्ति चेतना के तल पर कितना ऊपर उठा हुआ है, कितना उसको जीवन का बोध है, कितना उसको स्वयं का बोध है। मैं लड़का हूं और सामने एक स्त्री है, और स्त्री सुंदर है, शरीर से सुडोल है। आप सिर्फ शरीर देख रहे हैं, तो आप जीवन में रिश्ते बना रहे हैं शरीर के आधार पर कि शरीर भोगने को मिलेगा। आप ये नहीं देख रहे कि वो इंसान की चेतना कैसी है, और ये मेरे जीवन में जब आएगा तो ये मेरे जीवन में कैसी कूदफान मचाएगा, क्योंकि आपको 24 घंटे उसके साथ रहना है,
खाना है, पीना है, उसके साथ सोना है, बैठना है, बात करना है, सब उसके साथ करना है, पर आप सिर्फ शरीर को महत्व दे रहे हैं। ये होता है देह भाव में जीना और देह को अधिक महत्व देना। आप चेतना को नकार रहे हैं, आप समझ को नकार रहे हैं। आप कोई काम किए जा रहे हैं उसमें गुलामी है, उसमें रोज दबाव आप सहन करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माध्यम से आपको पैसा बहुत मिल जाता है। आप अपने मन की शांति को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे, आप अपनी आज़ादी को बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई ढंग का काम करूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाऊंगा, खुद का कुछ करूंगा तो उसमें कम कमाई होगी, मेहनत ज़्यादा होगी, तो फिर तो ऐसे तो शरीर को भोगने को मिलेगा नहीं, शरीर को आराम नहीं मिलेगा, शरीर को महंगी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो ये क्या है, आप किसी भी चीज़ का चुनाव कर रहे हैं, चाहे वो काम हो, चाहे रिश्ते हों, चाहे वस्तुएं हों, कुछ भी हो, शरीर के आधार पर। आप किसी पैसे वाले व्यक्ति के सामने फटाक से झुक गए, नेताजी के सामने झुक गए, क्या देखकर, वही उसका रुतबा देखकर, उसके पैसे देखकर, उसके पद प्रतिष्ठा और उसकी पहचान देखकर। ये देह भाव है, आप उसकी समझ नहीं देख रहे, उसका ज्ञान नहीं देख रहे। समझ के अलावा कुछ भी देख करके अगर आप कहीं पर झुक जाते हैं, वहां समर्पण कर देते हैं, तो आप देह भाव में जी रहे हैं। और जब आप सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्व देते हैं समझ को, प्रेम को, तब आप देह भाव से मुक्त हैं, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है। मैं जिम जा रहा हूं इसलिए नहीं कि शरीर को ठीक ठाक रखना है, इसलिए कि शरीर को ठीक रखना है, फुलाना है, मजबूत करना है, हट्टा कट्टा करना है, ताकि शरीर दिखा करके किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लूं। आदमी हूं तो औरत को अपनी ओर आकर्षित कर लूं, औरत हूं तो किसी पैसे वाले आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर लूं। जिम जाना समस्या नहीं है, शरीर हमने कहा साधन है, साधन की तरह शरीर को इस्तेमाल करो। अपनी मुक्ति में शरीर साधन बने, अपनी मुक्ति में शरीर बाधा ना खड़ी करे, एक शांत आनंदित जीवन जीने में शरीर समस्या ना बने, इसके लिए शरीर का जितना अच्छे से ख्याल रख सको रखो। पर शरीर का आप ख्याल रख ही रहे हो, देखो यहां पर पूरी बात आपकी नियत पर निर्भर कर रही है कि आप किस नियत से शरीर का उपयोग कर रहे हैं। आप जिम जा रहे हैं शरीर को ठीक रखने के लिए, पर शरीर को ठीक रख रहे हैं ताकि शरीर के माध्यम से किसी को आकर्षित कर सको और उसको भोग सको, तो ये देह भाव हुआ। पर आप शरीर जिम जा रहे हैं शरीर को ठीक कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, ताकि शरीर का उपयोग कर सको अपनी आज़ादी के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, एक ऐसा जीवन जीने के लिए जहां शरीर साधन की तरह सहायक हो सके, ना कि बंधन बने, ना कि बाधा बने, तब ये देह भाव नहीं है। कौन अपना है, कौन पराया है, इसका निर्णय आप शरीर के आधार पर कर रहे हैं, रिश्तों के आधार पर कर रहे हैं, ना कि समझ के आधार पर। तो अपने जीवन में देखिए कि आप किसी को सही या गलत कहते हैं, किसी को अपना या पराया कहते हैं, तो किस आधार पर कह रहे हैं, शरीर के आधार पर या उसकी समझ के आधार पर। अगर शरीर के आधार पर आप किसी को अपना और किसी को पराया समझ रहे हैं तो आप देह भाव में हैं। ये होता है देह भाव में जीना। अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं और आप कहे चलो छोड़ो, क्या करेंगे इसको समझकर, भले ही बात आप जानते हैं कि बात महत्वपूर्ण है, पर आप कहेंगे नहीं चलो पहले भोगते हैं, क्योंकि अभी अभी कोई मिठाई खरीद कर ले आया और तुम्हें दिख गई है, तुम्हारे मुंह से लार बहने लगी, लार बह रही है, पर उसके बाद भी तुम कहते हो नहीं पहले ये काम का है, इसको सुनूंगा, इसको पढ़ूंगा, फिर बाद में उसके लिए आगे बढ़ूंगा। तो अभी आप देह भाव से मुक्त हैं। पर अगर आप कहते हैं नहीं इसको छोड़ो, पढ़ना लिखना जानना समझना छोड़ो, जाकर पहले उसको खाते हैं मिठाई को, तो आप देह भाव में जी रहे हैं। जहां शरीर आपको नचा रहा है, जहां सब कुछ शरीर के लिए किया जा रहा है, माने आप, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना जब शरीर को समर्पित हो जाती है, तब आप देह भाव में हैं। और जब देह शरीर आपकी समझ को समर्पित हो जाता है, जब देह आपकी समझ के हिसाब से चलती है,
जब आप देह का उपयोग करते हैं साधन की तरह, तब आप देह भाव से मुक्त होते हैं। तो देह भाव कैसे छूटेगा? ये जानकर कि जो कर रहे हो वो देह भाव है, वहां देह भाव है या वहां आप चेतना को महत्व दे रहे हो। और जब जान लो तो आपको चुनाव करना है कि आपको किसे महत्व देना है। देह भाव कैसे छोड़ें, चेतना में कैसे जिए, चेतना को महत्व देकर ही चेतना में दिया जाता है। चाहे काम हो, चाहे संबंध हो, चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी हो, वहां हम प्रेम को, आजादी को, मुक्ति को, चेतना को, समझ को महत्व देंगे। मैं पढ़ रहा हूं इसलिए नहीं कि पढ़ करके एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल जाएगी तो बहुत पैसा मिल जाएगा, और बहुत पैसा मिल जाएगा तो बहुत भोगने को मिलेगा। अगर इसलिए पढ़ रहा हूं तो मैं देह को ही महत्व दे रहा हूं। पर अगर मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि पढ़ने में मजा है, पढ़ने में आनंद है, पढ़ने से जान रहा हूं, सीख रहा हूं, और जानना ही तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें समझ चाहिए। जहां समझ होती है वहां सब कुछ होता है। हां, पढ़ रहा हूं, पढ़ करके मैं पैसे कमाऊंगा, और उस पैसे कमाने से मैं किसी पर निर्भर हूं, तो वहां से निर्भरता हट जाएगी, तो यह देह भाव नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मुक्ति के लिए शरीर का, बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं। तो यहां से तो मैंने निर्भरता हटाई, पर मैं काम ऐसा करने लग गया पैसा कमाने के लिए कि जहां मुझे गुलामी करनी पड़ रही है, अपनी शांति को खोना पड़ रहा है, अपनी आजादी को खोना पड़ रहा है। तो एक जगह से तो मैंने निर्भरता हटाई, पर दूसरी जगह मैं गुलाम हो गया, तो फिर वहां तो बेचैनी होगी ही। वहां मैं ऐसा काम करने लगा कि मुझे ज्यादा पैसों का लालच हो गया, तो कुछ भी काम करने चला गया मैं, ये भी नहीं कर देना है। तो इस तरह देखना है कि मैं देह भाव में जी रहा हूं या चेतना से जी रहा हूं, किसको मैं ज्यादा महत्व दे रहा हूं। मैं उस सब को नकार दूंगा जो मेरी शांति भंग करे, जो मेरी आजादी छीने, फिर चाहे देह को नुकसान हो तो हो जाए। मैं उस चीज को, उस हर बात को, उस हर काम को, उस हर रिश्ते को नकार दूंगा जहां प्रेम नहीं है, जो मेरे अंदर के प्रेम को मारता है। मैं हिंसक भोजन कर रहा हूं, हिंसा कर करके, सिर्फ इसलिए क्योंकि शरीर को स्वाद मिल रहा है, तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हिंसा अगर कर रहा हूं तो प्रेम है ही नहीं मेरे पास। तो ये जो आखिरी प्रश्न था कि क्या देह का, शरीर का कोई महत्व नहीं है, तो शरीर का महत्व है कि शरीर का उपयोग करना है। शरीर माने ये पूरा मन, बुद्धि, सब उसी में आ जाते हैं। इन सब का उपयोग करना है अपने दुख को मिटाने के लिए, जो कुछ भी जरूरी है वो सब करने में, अपनी मुक्ति के लिए और संसार की भलाई के लिए देह का, शरीर का उपयोग करना है। उसके लिए शरीर को जितनी जरूरत हो उतना सब कुछ दो, अच्छा भोजन दो, अच्छे कपड़े दो, अच्छा उसको मकान दो, सब कुछ दो, पर इसलिए नहीं कि शरीर को फुलाना है, इसलिए कि शरीर ठीक रहेगा तो शरीर के माध्यम से अच्छे से काम कर पाएंगे। गाड़ी बढ़िया रहेगी तो यात्रा सुंदर होगी। शरीर को आखिरी नहीं मान लेना है, न खुद के शरीर को महत्व देना है, न सामने वाले के शरीर को महत्व देना है। महत्व अपने अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी उसकी समझ को देना है। अभी आपके सामने रावण और अष्टावक्र खड़े रहे, और आप अगर थोड़ा भी समझ को महत्व देते हैं तो आप रावण के सामने नहीं झुकेंगे, भले वो कितना ही बड़ा राजा हो, सोने की लंका हो, आप अष्टावक्र के बोध के सामने, उनकी समझ के सामने झुकेंगे। तो होती है ना वो चीज अलग, वो दिखाई नहीं देगी, उसका कोई रंग, कोई रूप नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, पर वो होती है, वो आपकी असली पहचान है। उसको महत्व दीजिए, समझ को, शरीर से ज्यादा समझ को महत्व दीजिए। वह समझ आप हैं, आप उतने ऊंचे हैं जितनी ऊंची आपकी समझ है। आपके जीवन में उतना ही आनंद, उतनी ही शांति, उतना ही प्रेम, उतनी ही करुणा होगी जितनी गहरी आपकी समझ होगी। उतने ही आप मुक्त होंगे जितनी गहरी आपकी समझ होगी। और समझ आती है जानने से, तन को जानने से, मन को जानने से, विचारों, भावनाओं, कर्मों को जानने से,
कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अपने ही दैनिक जीवन का, अपने ही संबंधों का, अपने ही कामकाज का अवलोकन करने से, उनको जानने से समझ आती है, मन की चालाकियों इन सब पर ध्यान दे करके, कभी स्वयं के जीवन से, कभी दूसरों के जीवन से हम जानते हैं, सीखते हैं, वहाँ से समझ बढ़ती है। तो समझ को महत्व देना देह भाव से मुक्ति है।